हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर त्रिदेव। दिस इज उपासना सिंह और आज हम अपने ऊप्स के टॉपिक में जानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। सो पॉलीमॉर्फिज्म के इस टॉपिक में हम जानेंगे व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, रियल टाइम एग्जांपल ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप्स ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म एंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप हम अपने एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है बिहेवियर, मतलब समथिंग विच इज बिहेव डिफरेंटली इन एवरी सिचुएशन। कोई ऐसी चीज जो सिचुएशन वाइज अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, एक पर्सन डिफरेंटली बिहेव करता है जब अपनी फैमिली के साथ होता है, जब अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और जब अपने कलीग्स के साथ होता है। कलीग्स के साथ ऑफकोर्स वो प्रोफेशनली बिहेव करता है, फ्रेंड्स के साथ वो फ्रेंडली एंड फैमिली के साथ ऑफकोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो वो उस तरह से बिहेव करता है। सो उसका ये जो बिहेवियर है अलग अलग तरीके से उसका बिहेव करना, ये एक तरीके से रियल टाइम एग्जाम्पल हो जाता है पॉलीमॉर्फिज्म का हमारी ऊप्स के टॉपिक पे। तो चलिए आइए इसको थियोरेटिकली सही से समझते हैं। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। जो वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म है उसका मतलब है हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स। लाइक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पर्सन मल्टीपल तरीके से बिहेव कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन जावा पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। जावा के अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म एक तरीके की हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने मैसेज को मल्टीपल फॉर्म से डिस्प्ले करा सके। पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारा एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारी ऊप्स की प्रोग्रामिंग के लिए। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज अस टू परफॉर्म सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से हम लोग कोई सिंगल टास्क है जो हमारा सिंगल हमें जो कोई काम करना है उसको डिफरेंट वे से परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर हमारी सिचुएशन ये होगी तो ये एक्शन रन हो, अगर ये नहीं याली सिचुएशन है तो वो अलग एक्शन रन हो। इन अदर वर्ड्स पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज टू डिफाइन वन इंटरफेस एंड हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। दूसरे शब्दों में कहा जाए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है मैं अलाउ करता है कि हम अपने एक इंटरफेस के साथ मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ही पर्सन का एक सेम टाइम पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। लाइक अ मैन एट द सेम टाइम इज अ फादर, अ हस्बैंड एंड एन एम्प्लॉय। एक आदमी जो होता है सेम टाइम पे फादर भी होता है, हस्बैंड भी होता है और एक एम्प्लॉय भी होता है। सो द सेम पर्सन पॉसेसेस डिफरेंट बिहेवियर्स इन डिफरेंट सिचुएशन। सेम ही इंसान अलग अलग टाइप का बिहेवियर रखता है अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से और ये भी वैरी करता है कि वो किसके साथ है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये एक तरीका हमारा रियल टाइम एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हमारा जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज बाउंड विद इट्स फंक्शनैलिटी एट द कंपाइल टाइम दिस इज नोन एज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब कोई ऑब्जेक्ट बाउंड होता है अपनी फंक्शनैलिटी के कंपाइल टाइम पे तो उसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एट कंपाइल टाइम जावा नोस विच मेथड टू कॉल बाय चेकिंग द मेथड सिग्नेचर। कंपाइल टाइम में जावा को पता होता है किस मेथड को कॉल करना है मेथड सिग्नेचर्स को चेक करके। सो दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग। सो इसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और साथ में स्टैटिक या फिर अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव थ्रू मेथड ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है मेथड ओवरलोडिंग के द्वारा अचीव की जाती है। मेथड ओवरलोड से यू कैन हैव मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम इन वन क्लास हैव अ डिफरेंट प्रोटोटाइप। मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है? मेथड ओवरलोडिंग हमारा ये कहता है कि एक ही हमारा जो फंक्शन है उसका सेम नेम हो सकता है, सेम ही क्लास में हो सकता है, मगर उसके डिफरेंट प्रोटोटाइप होंगे। डिफरेंट प्रोटोटाइप का मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Whenever an object is bound with the functionality at run time, this is known as run time polymorphism. जब हमारा एक ऑब्जेक्ट बाउंड होता है अपनी फंक्शनैलिटी से वो भी रन टाइम पे तो उसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव बाय मेथड ओवरराइडिंग। जब हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसे हम मेथड ओवरराइडिंग के द्वारा अचीव करते हैं। जावा वर्चुअल मशीन डिटरमाइंस द प्रॉपर मेथड टू कॉल एट द रन टाइम नॉट एट द कंपाइल टाइम। JVM जो होता है मतलब जावा वर्चुअल मशीन हमारा वही डिटरमाइन करता है कि हमारा जो मेथड है प्रॉपरली रन टाइम पे ही कॉल हो कंपाइल टाइम पे नहीं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक और लेट बाइंडिंग। इसे हम डायनेमिक और लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। मेथड ओवरराइडिंग सेज द चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास। मेथड ओवरराइडिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे जो मेथड्स का नाम होता है वो सेम होता है मगर
हमारा वो सेम मेथड चाइल्ड क्लास में भी होता है और पेरेंट क्लास में भी होता है. इट मींस इफ द चाइल्ड क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स पेरेंट क्लास देन इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग. अगर हम कोई ऐसा मेथड क्रिएट कर रहे हैं जिसकी के स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है जो कि हमने पेरेंट क्लास में भी लिखी है एंड साथ साथ में चाइल्ड क्लास में भी लिखी है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं. तो चलिए आइए प्रैक्टिकली समझते हैं दोनों ही टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म्स को. तो चलिए आइए पहले हम अपना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझते हैं जिसमें हम मेथड ओवरलोडिंग को सही से जानेंगे. सो जैसे कि आपने देखा मैं यहाँ पे दो सेम मेथड्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ बट यहाँ पे ये एरर बता रहा है डुप्लीकेट मेथड स्पीक इन टाइप पर्सन. सो डुप्लीकेट ना हो ओवरलोडिंग अचीव कर सके उसके लिए हमें यहाँ पे पैरामीटर्स देने होंगे. सो जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे दो मेथड्स क्रिएट किए हैं, दोनों का नाम सेम है, स्पीक स्पीक स्पेलिंग भी सेम है, पूरा सबको सेम है, बस यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं है और यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर रख दिया. सो मैं अब अपना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो यहाँ पे कैसे अचीव करूँगी. सो एक और चीज देखिए, अब यहाँ पे मुझे दोनों मेथड्स मेरे दिखा रहा है, स्पीक वाइड वाला जिसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया और स्पीक जिसमें पैरामीटर हमने पास किया है. सो अभी के लिए हम ये वाला मेथड चुनते हैं और ये मेथड कॉल करते हैं, सेव किया और प्रोग्राम को रन करते हैं. सो देखा हमारा जो मेथड है वो इजिली कॉल हो गया है. सो हमारा बिना पैरामीटर्स वाला मेथड तो रन हो गया है, बट अब हमें अपने पैरामीटर्स वाला मेथड अगर रन करना है तो हम कैसे रन करेंगे. डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये सिसॉर्ट दिया है. सो मैंने यहाँ पे अपना दूसरा भी जो मेथड है उसको रन किया है. तो यहाँ पे जब इसमें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो इसमें आ गया स्पीकिंग कैजुअली एंड जब मैंने इसमें पैरामीटर दे दिया तो आ गया स्पीकिंग फॉर्मली. सो आई होप आपको मेथड ओवरलोडिंग सही से समझ में आया हो, मतलब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सही से समझ में आ गया हो. अब हम आगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं. सो गाइस अब हम देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल, जिसके लिए अभी जो मैंने पहले कोड लिखा था इसको अब मैं कमेंट कर दूंगी. एंड अब यहाँ पे हमारी जो पर्सन क्लास है इसमें हमारे जो दो मेथड्स हैं इनको भी कमेंट कर देंगे. एंड अब यहाँ पे मैं अपना दूसरा एक मेथड क्रिएट करती हूँ. तो मैंने यहाँ पे एक डू वर्क नाम का एक मेथड क्रिएट कर दिया है एंड उसमें मैंने एक बस सॉर्ट कर दिया है कि वर्किंग इन ऑफिस. एंड अब एक और नई क्लास क्रिएट करती हूँ ताकि यहाँ पे उसकी सब क्लास क्रिएट करके मैं आपको ओवरराइडिंग का सही से एग्जांपल दे सकूँ. मैंने सेम नाम का मेथड क्रिएट किया यहाँ पर भी एंड अब यहाँ पे भी मैं इसको वर्किंग इन ऑफिस रहने देती हूँ, इसको वर्किंग इन होम कर देती हूँ. सो जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे दो मेथड क्रिएट किए सेम नाम के. अब ये जो एम्प्लॉय वाली हमारी क्लास है इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कराती हूँ. ओके मैंने अपना एम्प्लॉय को यहाँ पे एक्सटेंड करा लिया. ओके गाइस तो अब हम अपनी मेन क्लास में आते हैं और यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब मैं एम्प्लॉय का मेथड कॉल करती हूँ एंड अब इसे रन करते हैं.
तो इसने हमारे एम्प्लॉय पे जो हमने मेथड बनाया था वर्किंग इन ऑफिस करके, वो उसने रन कर दिया। एंड अगर मैं अब यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह पर्सन यूज़ करती हूँ तो क्या होगा? हमारा वर्किंग इन होम वाला मतलब स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हम अपने सेम मेथड्स को अलग अलग तरीके से कैसे कॉल कर सकते। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मगर मैं जब अपना कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने खाली पर्सन का कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। एंड उसके बाद होता क्या है कि मैंने पर्सन क्लास में जो अपना मेथड क्रिएट किया था वो वाला मेथड यहाँ पे रन हुआ, बट जब यहाँ पे एम्प्लॉय का ही कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रही हूँ तो एम्प्लॉय वाली क्लास में हमने जो मेथड बनाया था वो रन हो रहा है। सो आई होप आपको ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग दोनों ही समझ में आ गई होगी, उसी तरह कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दोनों ही अच्छे समझ में आ गया हो। तो कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जावा ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 23 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, एंड हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं, एंड साथ में कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कोई भी लेक्चर्स मिस मत करिएगा, सभी लेक्चर्स को सही से फॉलो करिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, प्लीज़ अगर कोई डाउट्स है आप वहाँ पर भी जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।